दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांडे गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक डेटाबेस डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। एक काफ़ी कॉमन कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में जब भी कोई भी स्टूडेंट आईटी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हैं या आईटी इंडस्ट्री के लिए जॉब के लिए प्रिपरेशन करने चाहते हैं। तो एक जॉब प्रोफाइल होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस डेवलपर, दोनों में जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रोफाइल में जाना चाहिए, किस प्रोफाइल में ज़्यादा पैकेज मिलती है और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि किस प्रोफाइल में ज़्यादा जॉब अवेलेबल है और इजीली जॉब मिल जाता है, और सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कंप्लीट में डिटेल में बात करेंगे। डेटाबेस डेवलपर का ज़्यादा सैलरी पैकेज होता है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, तो कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमें नहीं फॉलो किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। यदि आप SQL सीखना चाहते हैं तब भी आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए पर क्लिक करके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन को भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डेटाबेस डेवलपर क्या होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। तो जैसे कि नाम में बताया डेटाबेस डेवलपर, तो जितने भी डेटाबेस का एक्टिविटी होते हैं, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी इंस्टेंस होते हैं, उसको डेवलप जो करता है उसको डेटाबेस डेवलपर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, यदि आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यदि आप कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं, फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये सारे क्या है, एक तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको डेवलप करना है, मतलब आपको क्रिएट करना है। जैसे यूजर का रिक्वायरमेंट है कि उसको एक कोड को लिखना है जिसमें स्टोर प्रोसीजर के थ्रू उसको रिपोर्ट जनरेट हो, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कोई भी जॉब रन करे, तो ये बेसिकली जो एक्टिविटी होता है वो डेटाबेस डेवलपर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, तो यहाँ पे आप नाम में एक कीवर्ड लगा हुआ है जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, एडमिन टाइप का एक्टिविटी, मतलब जो भी सर्वर में एडमिन का जो रोल होता है, जैसे कि डेटाबेस का बैकअप लेना, जैसे कि आज एक डेटाबेस का कंप्लीट डेटा जो भी इंटर्ड हुआ उसका बैकअप लेना, कोई भी यूजर ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करता है उसको एक्सेस देना, जैसे कि डेवलपर ज्वाइन किया उसको क्या एक्सेस देना चाहिए, कौन सा स्कीमा का किसको एक्सेस होना चाहिए, बेसिकली डेटाबेस का लेवल का सिक्योरिटी करना, मतलब कोई भी डेटा दूसरे यूजर उसको एक्सेस ना कर ले, कोई भी आपको साइबर क्राइम ना हो, बेसिकली सर्वर शट डाउन ना हो जाए, क्योंकि सर्वर एक मिनट का भी शट डाउन होता है तो काफ़ी यूजर पे इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। यदि परफॉर्मेंस लो हो जाए कोई भी एप्लीकेशन का, फॉर एग्जांपल आप YouTube देख सकते हैं, देख रहे हैं अभी, YouTube का सर्वर डाउन हो जाए तो क्या होता है कि YouTube काम करना बंद कर देता है। आपने कुछ दिन पहले भी आपने एक्सपीरियंस फेस किया हुआ कि जितने भी Facebook के जितने भी साइट हैं जैसे कि WhatsApp, Instagram, Facebook सारे डाउन हो गया था, क्योंकि उसके जो सर्वर थे वो काम करना कुछ मिनट के लिए बंद कर दिया था। तो ये सारे चीज़ का मॉनिटर करना, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे परफॉर्मेंस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये कंप्लीट एक्टिविटी जो करते हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लोग करते हैं। उसमें बैकअप भी इंक्लूड होता है, उसमें एडमिन हर एक चीज़ को मेंटेन करना है, किस यूजर को क्या स्पेस देना है, ये सारे चीज़ क्या करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। बट एक एप्लीकेशन का जो भी चीज़ को डेवलप करना होता है वो एक डेटाबेस डेवलपर करता है। तो ये बेसिक मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस डेवलपर होता क्या है। दूसरा होता है कि दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ईजी है सीखना या डेटाबेस डेवलपर। तो बेसिकली डेटाबेस डेवलपर जो होता है वो इट्स ईजी वे होता है सीखने के लिए और अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है कि बहुत बहुत सारे टूल का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे आपको एक्टिविटी का नॉलेज होना चाहिए, मॉनिटरिंग का नॉलेज होना चाहिए,
और कंपेयर करेंगे डेटाबेस डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब प्रोफाइल में, तो हर एक 100 डेवलपर का परसेंटेज लेते हैं। सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक 100 डेवलपर काम कर रहा है, तो 100 डेवलपर पे आप 5% ओनली और 10% डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑल्सो, 5 to 10% ही डीबीए होता है। एक 100 डेवलपर है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 DBA देखते होंगे या 10 मैक्सिमम देखते होंगे। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम जॉब है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में, बट जॉब क्वांटिटी से डेटाबेस डेवलपर में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। बट सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पैकेज हायर होती है, बट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे भी। कभी कभी डेटाबेस डेवलपर जो हायर एक्सपीरियंस होते हैं उसके भी उसको भी ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो ग्रोथ दोनों प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी है। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से भी आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। डेटाबेस डेवलपर में ज़्यादा वे ज़्यादा रास्ता ओपन किया हुआ होता है, जैसे कि आप डेटाबेस डेवलपर से डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप अपने कैरियर को आरपीए में मूव कर सकते हैं, बहुत सारे एक जॉब ओपन, क्योंकि आप कंप्लीट डेटाबेस डेटा से आप काम किए हुए का एक्सपीरियंस होता है। बट एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में एक लिमिटेड हो जाता है, आपको ओनली डेटाबेस का मॉनिटरिंग का सब कुछ नॉलेज होता है, आप वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का भी नॉलेज नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी वहाँ पे लिमिटेड हो जाती है। बट आप काफ़ी क्विक टाइम पे काफ़ी जल्दी सीख के आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप डेटाबेस डेवलपर में जॉब जॉब जाएं, डेटाबेस डेवलपर का कोर्स करें और काफ़ी कम समय में आप इसको सीख सकते हैं और काफ़ी कम समय में आप इसको जॉब भी ले सकते हैं, क्योंकि कम मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही काफ़ी है एज कम्पेयर टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यदि आप डेटाबेस डेवलपर का कोर्स करना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे डायरेक्टली 1-to-1 ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है करियर रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।